Hello students, today we are going to start the importance of pH in our everyday life. First of all, we are going to see importance of pH in our digestive system. हमारे पाचन तंत्र में pH का क्या महत्व है? So first one is importance of pH in our digestive system. See, as you know that in our body secretes hydrochloric acid. हमारा stomach क्या है? Secrete करता है stomach. Secretes हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करता है और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन. बट समटाइम व्हेन फूड इज वेरी टेस्टी देन यू ईट लिटिल बिट मोर और वी कैन से ओवरईटिंग अकर्स. जब घर में स्वादिष्ट भोजन बन जाता है तो क्या होता है? थोड़ा सा हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, उससे ओवरईटिंग होता है. और जो फूड मटेरियल है वो क्या है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जब उसका डाइजेशन होता है तो डाइजेशन होने से क्या होता है? एसिड का प्रोडक्शन होता है एंड दैट एसिड क्रिएट्स सीवियर पेन इन आवर स्टोमक एंड बर्निंग सेंसेशन अकर्स इनसाइड द स्टोमक एंड दैट इज नोन एज इनडाइजेशन. उसे हम लोग इनडाइजेशन कहते हैं. तो उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं? आप सोचिए. जैसे हमने क्या किया? ओवर ईटिंग गिव्स और प्रोड्यूसेस मोर एसिड इन स्टोमक विच लीड्स टू पेन एंड बर्निंग सेंसेशन. इन स्टोमक मतलब जब ओवर ईटिंग हुआ तो ओवर ईटिंग से क्या होता है? एसिड का प्रोडक्शन होता है और उससे हमारे पेट में क्या होता है? पेन और जलन महसूस होता है. तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आप सोचिए. देखिए यहां क्या है? यहां एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? आप सोचिए. न्यूट्रलाइजेशन कब होता है? तो बेस से होता है. तो आप बेस यूज करेंगे और बेस कैसा यूज करेंगे? क्योंकि यहां ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, वीक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम लोग वीक बेस लेंगे. तो वीक बेस हम लोग लेंगे और उस वीक बेस को हम लोग क्या कहते हैं? एंटासिड कहते हैं. एंटासिड्स आर यूज्ड एंटीऑक्सिडेंट्स मतलब बेसेस आर यूज्ड. तो हम बेस का यूज करते हैं और कौन कौन सा बेस यूज करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं. इसी तरह दूसरा पॉपुलर एंटासिड क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. सोडियम बाइकार्बोनेट इज अनदर पॉपुलर एंटासिड. सो एंटासिड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल दैट पेन और बर्निंग सेंसेशन. इसे मीठा सोडा भी कहते हैं जो घर में हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज टूथ डिके ड्यू टू पीएच चेंज. अब देखिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करते टाइम हम लोगों के मुंह में क्या होता है? कुछ फूड प्रोडक्ट रह जाते हैं, थोड़ा सा फूड का अमाउंट हमारे दांतों के बीच में रह जाता है और वह क्या होता है? धीरे धीरे बैक्टीरिया जो माउथ में प्रेजेंट होते हैं उनके वजह से क्या होता है? डाइजेशन होकर के या उसका छोटे छोटे कण में बदलते समय वह क्या होता है? एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स
some food particles, some food particles, particles present in teeth, present in our mouth, present in our mouth. With time, they change to acid. Acid. ये क्या होता है? जो food particle है, वो acid में धीरे-धीरे convert होता है. और हमारे मुंह का जो pH है, pH goes below 5.5. जो mouth का pH है, pH of mouth goes below 5.5. जो mouth का pH है, वह 5.5 के नीचे चला जाता है. और फिर क्या होता है? हमारे tooth का decay होने लगता है. तो जब हमारे टूथ का डीके होने लगता है, तो आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सोचिए. सबसे पहला उपाय क्या है कि हम बार-बार मुंह को क्या करेंगे? रिंसिंग करेंगे. मतलब पानी से हम लोग खाने के बाद बार-बार धुल लेंगे. और दूसरा हम लोग क्या करते हैं? टूथपेस्ट से हम लोग ब्रश करते हैं. ब्रश आखिर टूथपेस्ट से जब हम लोग ब्रश करते हैं, तो उससे क्या होता है? टूथपेस्ट का जो पीएच होता है, टूथपेस्ट का उसका पीएच होता है 8. Toothpaste pH is around 8.0. उसका 8.0 होता है, slightly basic होता है. क्यों? क्योंकि हमारे mouth का pH क्या हो जाता है? धीरे-धीरे समय के साथ acidic हो जाता है. To neutralize that, pH of the toothpaste is 8.0. तो 8.0 होता है. और जब हम brush करते हैं, तो वो क्या करता है? Mouth के acid का, जो mouth में acid है, उसको neutralize कर देता है. और न्यूट्रलाइज करने के बाद फिर पीएच हमारे माउथ का 7 के आसपास आ जाता है. और क्या हो जाता है? हमारा टूथ सेफ रहता है. तो आप ध्यान दीजिए, आपको कम से कम टूथपेस्ट मींस ब्रश कितने बार दिन में करना चाहिए? मिनिमम 2 टाइम्स करने चाहिए, ताकि हमेशा माउथ का पीएच क्या है? 7 के आसपास रहे और टूथ का डीके ना हो. नेक्स्ट वन इज प्लांट्स एंड एनिमल्स Animals are sensitive to change in pH. जो plants और animals हैं, वो भी क्या है? pH के sensitive हैं. जैसे plants को ही लीजिए, plants grow better. Around pH 7. जो plants best grow करते हैं, वो 7 pH के आसपास grow करते हैं. If the pH of the soil is either acidic or basic, then growth of the plants are affected. अगर 7 से pH plant का नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए, मतलब एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए, दोनों में ही प्लांट का ग्रोथ अफेक्टेड होता है. तो फिर आप क्या करेंगे? सो प्लांट्स ग्रो बेटर अराउंड पीएच 7. अगर देखिए पीएच लो हो जाए या हाई हो जाए, देन प्लांट्स डू नॉट ग्रो. फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑयल टैंकर, मतलब तेल का टैंकर रोड से जा रहा, एंड व्हाट इज हैपनिंग, दैट ऑयल टैंकर इज bursting due to some reason, due to collision with other vehicle or something else. So what will happen? That whole oil will spread on the field. तो क्या होगा? अब देखा जाता है कि जब किसी फील्ड में तेल का टैंकर फट जाता है और वहां तेल फैल जाता है, तो वहां प्लांट का ग्रोथ नहीं होता. आप एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते आप क्या सलाह देंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? Why that happened? When oil tanker is going on the road and due to collision, oil tanker has burst, so now no plant is growing there. What is the reason and what solution you will propose as a student of science? आप एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आप क्या सॉल्यूशन प्रपोज करेंगे? तो देखिए, फिर वही बात, यहां ऑयल क्या है? ऑयल जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑयल क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. Oil is an organic compound. यह एक organic compound है.
अब क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड धीरे धीरे क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड बनाता है, और ऑर्गेनिक एसिड बनने से, ऑर्गेनिक एसिड बनने से क्या होता है, हमारा जो सॉयल है, सॉयल बिकम्स एसिडिक, सॉयल बिकम्स एसिडिक, बिकम्स एसिडिक एंड पीएच विल बी नाउ स्मॉलर देन 7। जो पीएच होगा वो किसके क्या हो जाएगा, वह 7 के नीचे हो जाता है, और जब पीएच 7 से नीचे हो गया तो प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा। फिर से आपको ऑयल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये धीरे धीरे समय के साथ डिग्रेडेशन होकर के डिग्रेड करके क्या करता है, ऑर्गेनिक एसिड बनाता है, डिग्रेड करके ये ऑर्गेनिक एसिड बनाता है, और ऑर्गेनिक एसिड बनने से पीएच सॉइल का क्या हो गया, 7 से नीचे चला गया। जब सॉइल का पीएच 7 से नीचे चला गया तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट्स ग्रो बेटर अराउंड पीएच 7। तो अब एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस आप क्या करेंगे, जब एसिड की वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, कुछ बेस डालेंगे वहां, और बेस कैसा डालेंगे, यह वीक एसिड का प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है तो वीक बेस डालेंगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे, लाइम ले लेंगे, लाइम मींस CaO, या फिर आप स्लैक लाइम ले लीजिए, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम ले लीजिए CaOH2, या फिर क्या करेंगे आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे CaCO3। इनको आप लीजिए, ये सभी क्या है, माइल्ड बेसिस है, इनका पीएच सभी का 8-9 के आसपास होता है, तो हम क्या करेंगे, इनको सॉइल में लेकर के छिड़काव कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और क्या हो जाएगा, पीएच 7 के आसपास हो जाएगा, एंड नाउ प्लांट्स विल ग्रो बेटर, देन नो प्रॉब्लम विल अकर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो यू शुड टैकल प्रॉब्लम्स इन दिस वे। इन द सिमिलर मैनर समटाइम ड्यू टू एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, सम फार्मर्स यूज टू एड टू मच फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस दैट सॉइल पीएच बिकम्स बेसिक। अगर सॉइल का पीएच बेसिक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या वहां ऐड करेंगे, आप सोचिए कुछ एसिडिक सब्सटेंस ऐड करेंगे, वह एसिडिक सब्सटेंस क्या हो सकता है, मैन्यूर्स हो सकता है, जो आपको काउ डंक वगैरह है, जो हम लोग उसका और आपको काउ डंक वगैरह को हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, और फिर उसको साल भर 6 महीने के बाद क्या होता है, मैन्यूर बनता है, तो उस मैन्यूर का हम फील्ड में छिड़काव कर देंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिडिक नेचर के होते हैं, वो क्या करेंगे, बेसिक को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो यू शुड टैकल प्रॉब्लम्स इन दिस वे। नाउ सी इफेक्ट ऑफ पीएच चेंज ऑन एनिमल्स, एनिमल्स पर देखा जाए, नाउ सी इफेक्ट ऑफ पीएच चेंज ऑन एनिमल्स, एनिमल्स ग्रो बेटर, एनिमल्स ग्रो बेटर फ्रॉम 7.0 टू 7.8, 7 से 7.8 के आसपास ग्रो बेटर करते हैं, और उनकी बॉडी फंक्शनिंग भी क्या होती है, ठीक होती है, मतलब ग्रोथ, जब बॉडी फंक्शन ठीक होगी तो ग्रोथ भी ठीक होगा, उनका हेल्थ भी क्या होगा, ठीक होगा। लेकिन अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आपने क्या किया, 2-3-4 नींबू का रस आपने बना करके पी लिया, और नींबू का रस क्या होता है, एसिडिक होता है, सो दैट विल डिक्रीज द पीएच ऑफ योर बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी फ्लूइड का पीएच होगा वह 7 से नीचे हो जाएगा, और जब 7 से नीचे हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आप लेमन जूस वगैरह पीते हैं तो उसको भी कंट्रोल में पीना है, एक्सेस ऑफ लेमन जूस विल बी ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। इन द सिमिलर मैनर यू थिंक व्हेन रेन अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सो एसिड रेन अकर्स, एसिड रेन कब हम कहते हैं, एसिड रेन, एसिड रेन when pH of rain is below 5.5 के आसपास जब pH हो जाता है रेन का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन किसके वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, H2O के साथ मिल करके क्या दे देता है, यह कार्बोनिक एसिड बना लेता है, H2CO3। इसी तरह आपको जो SO3 है वह H2O के साथ मिल करके क्या करता है, H2SO4 बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारे गैस एयर में मौजूद होते हैं, और जब पहली बार बारिश होती है रेनी सीजन में तो ये सब मिल करके एसिड बना लिए, और इन एसिड के वजह से क्या होता है, वाटर का पीएच जो होता है रेन का क्या हो जाता है, 5.5 से नीचे चला जाता है, और एसिड रेन होता है वहां। अब देखिए इसके वजह से क्या होता है,
अगर पॉन्ड्स में यह एसिड रेन जब फॉल करता है तो वहां क्या होता है, सम टाइम फिशेस बिकम डाइन ड्यू टू दिस एसिड रेन। तो जो फिश का ग्रोथ होता है वह इफेक्टेड हो गया, मींस फिशेस डाई ड्यू टू दिस, फिशेस डाई ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस। तो यहां देखिए जो एनिमल्स हैं उनका ग्रोथ किससे अफेक्ट हो रहा है, पीएच की वजह से हो रहा है। So this is effect of pH due to, this is effect of pH on animals. Next one is self defense in animals and plants due to pH. अब plants और animals में pH से कुछ defense आते हैं, अब देखते हैं। जैसे ants, ants are very small, even though you are afraid of them, ants जो हैं बहुत छोटे हैं फिर भी आप उनसे डरते हैं, ऐसा क्यों? या हनीबीज आर ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, इवन दो यू आर अफ्रेड ऑफ देम, उनसे भी आप डरते हैं, क्यों ऐसा? तो हनीबी है या एंट्स है ये क्या करते हैं, जब इंसेक्ट या एंट्स है या इंसेक्ट्स हैं, हनीबीज है, ये इंजेक्ट क्या करते हैं, जब काटते हैं तो इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इन आवर स्किन, ये हम लोग के स्किन में क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करते हैं। फॉर्मिक एसिड इसी को हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट करते हैं या फॉर्मिक एसिड को। इसी तरह एंट्स भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो बाइट्स एंड इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड। ये भी क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करते हैं, मतलब दोनों सेम एसिड इंजेक्ट करते हैं। और जैसे स्किन पर इंजेक्ट करते हैं क्या होता है, हमें पेन होता है, जलन होता है, इस वजह से आप इतने छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके एंट्स और हनीबीज हैं उनसे भी आप डरते हैं। तो मान लीजिए एंट्स ने आपको काट लिया और या हनीबी ने आपको काट लिया, तो फिर आप क्या करेंगे एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप सोचिए क्या इसको कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले सोचिए ये किसके वजह से हो रहा है, तो एसिड के वजह से हो रहा है। तो एसिड का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वीक बेस से करेंगे। वीक बेस कौन सा लेंगे, तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको क्या कीजिए, जहां आपको चींटी ने काटा है वहां लेकर के पानी के साथ यहां मिला दीजिए, आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। या दूसरा क्या कीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर और इट इज ऑल्सो चूना। तो चूना ले लीजिए और चूना लेकर के आप क्या कीजिए, वहां पर लगा दीजिए, और लगा देंगे आपको तुरंत क्या होगा, बेसिस क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड यू विल गेट रिलीफ देयर। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेल्फ डिफेंस इन द ऑर्गेनिजम्स लाइक एंट्स एंड हनीबीज। नाउ नेक्स्ट वन इज सेल्फ डिफेंस इन प्लांट्स। तो देखिए एक प्लांट है नेटल प्लांट। आप जब फॉरेस्ट में जाएंगे तो देखेंगे एक पौधा है और उसमें क्या होते हैं, व्हाइट हेयर्स होते हैं और ये हेयर्स में क्या भरे होते हैं, फॉर्मिक एसिड भरा होता है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड इनमें मौजूद है, फॉर्मिक एसिड। अब क्या होता है कि मान लीजिए आप जंगल में घूम रहे हैं और जंगल में घूम रहे हैं, वहां पर क्या हुआ, आपको वहां पर क्या होता है, आप उस प्लांट से टच करेंगे तो वो हेयर क्या होगा, आपसे टच होते ही सारा फॉर्मिक एसिड आपके स्किन में लग जाएंगे और तुरंत काफी जलन हो जाएगा। उस मोमेंट आप क्या कीजिएगा, सोचकर बताइए आप क्या करेंगे। आप घर पर तो है नहीं कि आप बेकिंग सोडा ले लेंगे या चूना ले लेंगे, आप जंगल में हैं तो क्या करेंगे। तो देखिए जहां नेटल प्लांट ग्रो करता है उसी के आसपास एक दूसरा प्लांट ग्रो करता है, डॉग प्लांट और नेटल प्लांट हमेशा साथ ही ग्रो करते हैं, आसपास में ग्रो करते हैं। तो डॉग प्लांट का जो लीव्स होते हैं, लीव्स आर बेसिक इन नेचर। सो वी विल टेक लीफ एंड वेयर बर्निंग सेंसेशन इज देयर वी विल रब देयर, सो वी विल गेट इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम That, जहां हमारा जलन हो रहा था वहां हम क्या करेंगे,
उस पत्ती को लगा करके रगड़ देंगे और रगड़ते ही क्या होगा, यह बेसिक कंपाउंड उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें रिलीफ मिल जाएगा. सो दिस इज अनदर डिफेंस एग्जांपल फॉर फॉर द पीएच इन द ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट. सो यू नो दैट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, देन वी गेट सॉल्ट एंड वाटर. जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. जैसे देखा जाए HCl plus NH, तो यहां क्या मिलता है, NaCl मिलता है और साथ में H2 मिलता है. अब देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो जो कैटायन होता है वो कहां से आता है, यहां ध्यान दीजिए, कैटायन कम्स फ्रॉम बेस एंड एनायन कम्स फ्रॉम एसिड. मतलब देखिए, बेस से आपको क्या मिला, आपको कैटायन मिला और एनायन कहां से आया, आपको एसिड से आया. तो ये देखिए, आप दूसरे में से भी सॉल्ट को डिफाइन कर सकते हैं. वेन हाइड्रोजन इन द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द मेटल देन सॉल्ट इज फॉर्म्ड. वेन Then salt is formed. मतलब क्या होता है, एसिड से जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, when hydrogen in acid is replaced by metal, then salt is formed. तो salt यहां बन गया जब हम लोग हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस कर दें. अब देखिए, जो salt है, salt में जनरली क्या होते हैं, ये जो कैटायन होता है यह मेटल आयन होता है. जो कैटायन होता है, कैटायन इज मेटल आयन. फॉर एग्जाम्पल एन ए प्लस, के प्लस, के प्लस, कैल्शियम प्लस टू, ETC. एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, क्या कभी कभी NH4 प्लस आ जाता है, यहां पर कभी कभी NH4 प्लस आ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्ट फैमिलीज और फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. अब देखिए, एक जनरल एग्जांपल लीजिए, जैसे आपको मिल जाए राहुल सिंह, मोहन सिंह, तपन सिंह, रमेश सिंह, ऐसे आपको मिले तो आप कौन सा फैमिली कहेंगे. डायरेक्ट आप इनको देखकर क्या कहते हैं, सिंह फैमिली. इसका मतलब क्या, जो कॉमन होता है सब में उसी फैमिली में हम लोग सबको रखते हैं. तो उसी तरह यहां पर क्या है, द कॉमन पार्ट आइदर कैटायन और एनायन गिव्स सॉल्ट फैमिली. Yes, salt family. मतलब salt family हमको क्या होता है, जो salt हैं, जितने salt हैं उनमें common क्या है. जैसे उदाहरण लीजिए, आपको NaCl, sodium chloride, इसके बाद आपको sodium carbonate, या फिर आप ले लीजिए sodium sulfate. ये किस family से belong करते हैं, ये किस फैमिली से है. तो देखिए, इन सभी में क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट. तो यहां सभी में कॉमन क्या है, सोडियम. तो ये किस फैमिली से हो गए, सोडियम फैमिली. इसी तरह से क्या है, नेक्स्ट हम लेते हैं NaCl, CaCl2, MgCl2. अब ये देखिए, ये किस फैमिली से है. तो देखिए, इनका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. सो कॉमन पार्ट इज व्हाट, क्लोराइड. इट मीन्स दे बिलोंग्स टू क्लोराइड फैमिली, दे बिलोंग्स टू क्लोराइड फैमिली. इसी तरह से देखिए, दूसरा उदाहरण लेते हैं, हमारा हो गया K2CO3,
Na2CO3 और हम ले लेते हैं आपको CaCO3। अब इनको देखिए पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सो व्हाट इज द फैमिली, टेल मी इनमें फैमिली क्या है, क्या कॉमन है, वही फैमिली है। तो सभी में क्या आ रहा है, कार्बोनेट आ रहा है। सो दे बिलोंग्स टू कार्बोनेट फैमिली, कार्बोनेट फैमिली। तो एक पॉइंट आप ध्यान देंगे, जो सभी सॉल्ट्स, जितने सॉल्ट्स दिए गए हैं आपसे पूछा जाए, उनमें जो कॉमन होगा वही उनका क्या होगा, सॉल्ट फैमिली होगा। वो कैटायन भी हो सकता है, वो एनायन भी हो सकता है। जैसे इनमें कैटायन कॉमन है सो सोडियम फैमिली, इनमें सभी का एनायन सेम है क्लोराइड फैमिली। इसी तरह इनका सभी में कॉमन क्या है, एनायन, दैट इज कार्बोनेट, देयरफॉर इट इज कार्बोनेट फैमिली। सो यू शुड डिसाइड फैमिलीज इन दिस वे। नेक्स्ट पॉइंट इज पीएच ऑफ सॉल्ट्स, जो सॉल्ट्स हैं उनका पीएच क्या होता है। तो आपको पता है जनरली फॉर द सॉल्ट्स पीएच इज अराउंड 7, जनरली पीएच क्या होता है, 7 होता है। लेकिन अगर हम अमोनियम क्लोराइड का देखें, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, सो पीएच फॉर दिस इज 6। इन द सेम मैनर फॉर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, फॉर Na2CO3 पीएच इज 9। मतलब यह क्या है, बेसिक नेचर का है, और यह क्या है, एसिडिक नेचर का है। तो देखिए इस एग्जांपल से हम लोगों को क्या मिला कि सॉल्ट्स कैन बी स्लाइटली एसिडिक और कैन बी स्लाइटली बेसिक। मतलब जो कई बार क्या होता है, जो हमारा सॉल्ट का पीएच 7 होना चाहिए उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यह हमें अब समझने की जरूरत है, यह कब होता है और क्यों होता है। तो देखिए फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहां सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जब हम एग्जाम्पल ले लें HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस NH, तो यहां सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। सो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स, देन पीएच विल बी अराउंड 7। इसी तरह क्या है, अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, वीक एसिड एंड वीक बेस रिएक्शन करें, वीक एसिड एंड वीक बेस, तो जो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा उनका पीएच क्या होगा। देखिए जैसे हमारा क्या होगा, अब देखिए यहां हम वीक एसिड ले लें एसिटिक एसिड और वीक बेस ले लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां जो सॉल्ट बनेगा वह है सोडियम एसिटेट NH4 प्लस H2। तो यहां भी जो पीएच होगा वह भी क्या होगा, हमारा एप्रोक्स, मतलब 7 के आसपास होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करें या वीक रिएक्शन करें तो पीएच हमारा 7 होगा। लेकिन अब अगला केस देखिए, अगर मान लिया जाए वीक एसिड है और क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या होगा इस केस में सोचिए। तो वीक एसिड का एग्जांपल ले लें एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NH। तो सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट हमारा होगा Na प्लस H2 मीन सोडियम एसिटेट। तो यहां देखिए जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका इफेक्ट दिखेगा। मतलब यह सॉल्ट क्या होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, बेस। तो यह क्या होगा, स्लाइटली बेसिक नेचर का होगा, बेसिक होगा। मतलब हमारा पीएच जो होगा वो क्या होगा, 7 से अधिक होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो क्या होगा, यहां देखिए इनमें तो इनका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl और वीक बेस हो गया NH4OH। अब देखिए यहां जो सॉल्ट बनेगा NH4Cl प्लस H2O। नाउ सी हियर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच। तो यहां देखिए एसिड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका इंपैक्ट दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, एसिड है तो ये कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर के होंगे इसका मतलब क्या,
ये स्लीप नेचर के होंगे, इसका मतलब पीएच क्या होगा हमारा, इनका 7 से कम होगा, इनका पीएच 7 से कम होगा। इस तरह से कंक्लूजन आपको क्या मिला कि जब स्ट्रांग स्ट्रांग रिएक्शन करेंगे तो हमारा पीएच 7 होगा, दूसरा वीक वीक रिएक्शन करेंगे तो भी हमारा 7 के आसपास होगा, ये भी 7 के आसपास होगा। लेकिन अगर स्ट्रांग और वीक रिएक्शन करेंगे तो जो स्ट्रांग होगा उसका इफेक्ट दिखेगा। यहाँ बेस स्ट्रांग है तो पीएच क्या होगा, बेस के लिए 7 से ऊपर होता है तो इसका पीएच थोड़ा सा 7 से ऊपर होगा। उसी तरह यहाँ देखिए स्ट्रांग एसिड है, नेक्स्ट फेस में तो स्ट्रांग एसिड है तो इसका इम्पैक्ट सॉल्ट पर दिखेगा, तो यहाँ पीएच 7 से थोड़ा कम हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट पीएच ऑफ द सॉल्ट्स। नाउ हाउ यू विल डिसाइड व्हिच सॉल्ट इज हैविंग, which salt is having pH less than 7 or greater than 7। तो एक एग्जांपल लेते हैं NH4CL। तो हम जानते हैं कि कोई भी सॉल्ट है, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस के मिलने से, और क्या होता है सॉल्ट और वाटर बनता है। तो हम जस्ट रिवर्स कर देते हैं, NH4CL में आप क्या कीजिए वाटर डाल दीजिए, और वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ये क्या देगा NH4OH देगा और साथ में क्या देगा HCl देगा। तो देखिए ये क्या हुआ वीक बेस और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये और किसका इंपैक्ट दिखेगा हमको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए इस सॉल्ट का क्या होगा स्ट्रॉन्ग वाले का इफेक्ट दिखेगा, मतलब इसका पीएच क्या होना चाहिए 7 से कम होना चाहिए। इसी तरह आप देखिए दूसरा उदाहरण लीजिए, आप सोडियम एसीटेट ले लीजिए, एसीटेट इसमें वाटर डालेंगे, वाटर डालेंगे तो हमारा ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करके क्या देगा CH3OOH+NH। तो अब देखिए यह क्या है वीक एसिड और यह क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका इंपैक्ट दिखेगा, तो क्या होगा इसका पीएच कितना होगा 7 से अधिक होना चाहिए, 7 से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए यहां पर क्या होगा कि आप कोई भी सॉल्ट है तो उसमें पानी डालिए तो हमें एसिड और बेस मिलेंगे, और एसिड और बेस का नेचर देख लीजिए कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, या दोनों स्ट्रांग स्ट्रांग है तो अगर दोनों स्ट्रांग स्ट्रांग है या वीक वीक है तो 7 होगा, अगर जो स्ट्रांग होगा उसका इंपैक्ट पीएच पर दिखेगा। सो दिस वाज फॉर टुडे, थैंक यू।